नमस्कार मित्रों, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ कि सरकारी वकील कैसे बनते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर इस विषय पे एक वीडियो बनाइए कि सरकारी वकील किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि आप किस प्रकार से सरकारी वकील बन सकते हैं। सरकारी वकील बनने के दो प्रक्रिया हैं, एक तो आप एग्जाम के थ्रू सरकारी वकील बन सकते हैं और दूसरा आप बिना किसी एग्जाम दिए भी सरकारी वकील बन सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको दोनों तरीके को बताऊंगा और पूरी विस्तार रूप से बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक सरकारी वकील बन सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम आपको पहले प्रोसेस के बारे में बताते हैं जो APO एग्जाम द्वारा होता है। APO का आपको एक एग्जाम देना होता है और इस एग्जाम के थ्रू आप एग्जाम पास करके एक सरकारी वकील APO बन सकते हैं। और जो दूसरी प्रक्रिया है वो ADGC प्रोसेस के द्वारा है। जो ADGC प्रोसेस है उसके द्वारा भी आप सरकारी वकील बन सकते हैं। तो आज हम इस दोनों के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं APO एग्जाम के थ्रू, आप APO परीक्षा द्वारा किस प्रकार से सरकारी वकील बन सकते हैं। तो सबसे पहले APO के लिए आपको LLB पास होना आवश्यक है। APO परीक्षा आयोग द्वारा ली जाती है जो समय समय पे इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक स्टेट में अलग अलग इसकी वैकेंसीज आती है। आप अगर LLB पास हैं और आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को पास करके सरकारी वकील बन सकते हैं। एग्ज़ाम तीन चरण में होता है। पहला आपको प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपको पर्सनालिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है। यह एक परमानेंट पोस्ट होती है। इसके लिए आपको सरकार द्वारा सरकार की हर एक प्रकार की सुविधाएं मिलती है और आपको सरकार के पक्ष में सिविल कोर्ट में उनके सरकार के पक्ष में अपना वकालत करना होता है, यानी कि आप सरकार के द्वारा दी हुई केसेस को हैंडल करते हैं और उनके पक्ष में कार्य करते हैं। और इसमें आपको हर एक जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। हर एक 3 साल पे आपको हर एक अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और सरकारी वकील का एक अच्छा खासा रुतबा भी आपको मिलता है। तो ये था पहला चरण। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे तरीके से आप किस प्रकार से सरकारी वकील बन सकते हैं। दूसरा तरीका है ADGC, इसका फुल फॉर्म होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। इसके लिए योग्यता आपको LLB होना चाहिए और मिनिमम 10 ईयर्स का प्रैक्टिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका होना आवश्यक है। आप किसी भी कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप ADGC में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। ADCG द्वारा इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि जब सरकार को लगता है कि न्यायालयों में सरकारी वकील की आवश्यकता है और कमी है तो उस समय में न्यायालय के सीनियर जजों का एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल द्वारा जिले के अनुभवी एवं योग्य वकीलों को 5 साल के लिए APP नियुक्त किया जाता है। APO यानी कि सरकारी वकील बनाया जाता है।
और उसके पश्चात यह लिस्ट जिला जज के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, और जो जिला जज द्वारा अप्रूव किया हुआ लिस्ट होता है उसे और जिला जज द्वारा भेजी गई लिस्ट को शासन द्वारा अप्रूव कर दी जाती है। तो इस प्रक्रिया से आप सरकारी वकील बन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सरकारी वकील की सैलरी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सैलरी एपीओ की, जो भी सरकारी वकील होते हैं जो एग्ज़ाम के थ्रू पास होके आते हैं, उनका TA DA सब कुछ लेकर के उनकी सैलरी 50,000 के करीब होती है। हर एक स्टेट में 2-4,000 ज़्यादा हो सकता है। ये उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है और ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जो ADCG के द्वारा सरकारी वकील नियुक्त होके आते हैं उनकी जो सैलरी होती है हर एक कमीशन बेस पे होती है, हर एक केस पे उनका अलग अलग कमीशन होता है। हर एक स्टेट अपने द्वारा हर एक केस पे कमीशन रखती है कि वो पर डे के केस पे उनका इतना कमीशन बनेगा। इस तरीके से उनकी सैलरी मिलती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो हम आपको किस टॉपिक पे बनाएं।